hello everyone welcome back to my channel so today we are going to discuss about the topic imc which means integrated marketing communication so integrated marketing communication kya hota hai? it is a strategic collaborative and promotional marketing function where a targeted audience receive consistent and persuasive brand messaging through various marketing channels कि जब आपकी ऑडियंस कंसिस्टेंट मैसेज रिसीव करती है बाय वेरियस मार्केटिंग चैनल दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करना चाहती है तो उसके पास मार्केटिंग करने के लिए वेरियस ऑप्शंस होते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जिस भी प्रोडक्ट को बना रही है कस्टमर को उसके जो टारगेटेड कस्टमर है उसे अवेयर करना कि उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हो तो वो ऐड क्यों आते हैं या फ़ोन में ऐड देखते हो क्योंकि वो आपको अवेयर करना चाहती है वो कंपनी आपको ये बताना चाहती है कि वो भी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है उनके प्रोडक्ट की क्या स्पेशलिटी है और वो क्यों करते हैं ताकि आप जाके उनके प्रोडक्ट को ख़रीदो उनके लॉयल कस्टमर बन जाओ तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि उनका प्रोडक्ट बिके उनकी सेल्स हो तो उसके लिए उन्हें क्या करनी पड़ती है मार्केटिंग करनी पड़ती है और मार्केटिंग जब वो करती है तो मार्केटिंग करने के उनके पास वेरियस ऑप्शन होते हैं जैसे वो क्या कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि आपको टी वी पे या फ़ोन पे ऐड दें और उसके थ्रू कस्टमर को अवेयर करें उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं डिस्काउंट देना इनके थ्रू भी क्या कर सकते हो कस्टमर को अवेयर कर सकते हो पब्लिक सेलिंग पब्लिक रिलेशन सॉरी पब्लिक रिलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो उनके साथ अवेयर कर सकते हो जैसे न्यूज़पेपर में आपका जो न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में आपके ऊपर आर्टिकल आ रहा है एडिटोरियल आ रहा है तो उसके बेस पे आप कर सकते हो उसके अलावा पर्सनल सेलिंग यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स फोर्स जाके सीधा कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो वो हमारी क्या होती है पर्सनल सेलिंग तो ये हमारे डिफरेंट मीडियम हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं कस्टमर को मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर को अवेयर करने के लिए और जब एक ऑर्गेनाइजेशन इनमें से सिर्फ एक या दो को चुन के सारे के सारे मार्केटिंग मीडिया को यूज़ करती है दैट बिकम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है इकट्ठा तो इकट्ठा जब आप सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को यूज़ करते हो दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कस्टमर को अवेयर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन पर्सनल सेलिंग सबका यूज़ कर रही है डायरेक्ट मार्केटिंग सबका यूज कर रही है ताकि कस्टमर को अवेयर कर सके दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आप करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ को मेनटेन करो कंसिस्टेंसी को तो सबसे पहले हमने क्या किया है मीनिंग ऑफ आईएमसी आईएमसी का मीनिंग क्या है कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए कस्टमर को अवेयर करने के लिए जब आप सभी एडवर्टाइजिंग सभी मार्केटिंग मीडिया का यूज़ करते हो दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन अब इसके की कॉम्पोनेंट क्या हैं पहला कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है जो भी मार्केटिंग मीडिया आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो पर्सनल सेलिंग कर रहे हो या फिर पब्लिक रिलेशन का आप यूज़ कर रहे हो इन पे जो भी मैसेज हो वो मैसेज आपका कंसिस्टेंट यानी कि उसका जो थीम है जो क्रक्स है वो सेम होना चाहिए ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट पे आप बता रहे हो कि आपका प्रोडक्ट पचास रुपये का है सेल्स प्रमोशन में आपने बताया कि वो चालीस रुपये का है डायरेक्ट मार्केटिंग में उसका प्राइस आपने सो लिख रखा है तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कस्टमर हो जाएगा कन्फ्यूज़ कि ये हो क्या रहा है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर के पास सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का स्कोप है जितनी जितनी मीडिया आप यूज़ करोगे ना उतनी ही मीडिया कस्टमर देखेगा तो अगर उसे एक जगह लगता है कि यहाँ

उसके अंदर क्या होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के बाद कोऑर्डिनेशन होना कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट है और अदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो इन सब डिपार्टमेंट को मिल के ही तो काम करना है और मार्केटिंग के अंदर भी वेरियस डिपार्टमेंट होंगे तो उन सब डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए क्योंकि देखो फाइनेंस जो पैसा कितना लगेगा प्राइस क्या होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है देन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी प्रोडक्ट कैसा दिखेगा उसकी पैकेजिंग कैसे होगी वो कौन सा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है बट प्रमोशन डिपार्टमेंट क्या बता रहा है कि किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है मीन्स कैसे कलर का आपको बनाना चाहिए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें क्या फ्लेवर आपको डालने चाहिए देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एनवायरमेंट में और क्या अपॉर्चुनिटी है तो जब ये सब मिल काम करेंगे ना तभी हमारी आई क्या हो सकती है सक्सेसफुल हो सकती है तो सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए देन नेक्स्ट की कंपोनेंट इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ये तीन ही हमारे मेजर कंपोनेंट हैं जो सबसे मेजर हैं। इसके अलावा भी कंपोनेंट होते हैं बट ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं जो जरूर फॉलो होने चाहिए फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी सेकंड इज कोऑर्डिनेशन थर्ड इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कि जो हमारा आईएमसी है ना वो ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कस्टमर पे फोकस होना चाहिए कि, कि किस तरीके से हम कस्टमर को कन्वीनियंट वे में अपने मैसेज को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो क्या होना चाहिए कस्टमर सेंट्रिक इसके अलावा क्या कंपोनेंट है कि मल्टीपल चैनल्स का आप यूज़ करते हो तो ये तो हमें पता ही है कि आईएमसी का मतलब ही ये है कि हम एक चैनल को यूज़ ना करके नंबर ऑफ चैनल्स के थ्रू इंटीग्रेटेडली अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें अवेयर कर रहे हैं देन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन अनदर की कॉम्पोनेंट क्या है कि आई एम सी कैसा वर्क कर रहा है उसको मेजर एंड इवेलुएट करना कि जो हम चाहते थे जैसा हमने उसको सोचा था ऑब्जेक्टिव जो हमारा था क्या हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए अगर हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो प्रेज करना रिकॉग्निशन करना इंसेंटिवस प्रोवाइड करना ताकि आप मोटिवेट कर सको और अगर आपने अचीव नहीं किए यानी कि आप फेल हो गए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में तो करेक्टिव एक्शन लेना ताकि फ्यूचर में आप ऐसी ती दोबारा ना करो तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इसका की कंपोनेंट है एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग कि आपको आईएमसी किस तरीके से करना है स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजिक प्लानिंग यानी कि स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन गोल है उसे अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन बनाए जाते हैं दैट इज स्ट्रैटीज़ तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या है आईएमसी को स्ट्रैटेजीज से जोड़ देना ताकि आप डायरेक्टली अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सको सो दीज आर दी की कॉम्पोनेंट ऑफ आईएमसी कंसिस्टेंसी कोऑर्डिनेशन कस्टमर सेंट्रिक मल्टीपल चैनल मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आईएमसी कि आप आईएमसी कैसे डिजाइन करते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान यानी कि आपका सबसे पहले देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट आर एंड टी डिपार्टमेंट तो ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसका भी तो कोई ना कोई ओवरऑल प्लान होगा ना तो सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या गोल क्या ऑब्जेक्टिव और क्या प्लान है उसको रिव्यू करना कि आपकी ओवरऑल मार्केटिंग प्लान क्या है किस तरीके से वो वर्क कर रहा है कंपिटेटर से वो कैसा कम्पिटेटर से वो कैसे रिलेट करता है इस चीज को देखना देन जब आपने अपने मार्केटिंग प्लान को देख लिया तो सेकेंड स्टेप आता है प्रमोशनल प्रोग्राम सिचुएशन एनालिसिस कि अब के मार्केटिंग प्लान के अंदर भी जो सिर्फ प्रमोशन का प्रोग्राम है स प्रमोशन भी हो रहा होगा डायरेक्ट मार्केटिंग भी हो रही होगी तो जो प्रमोशन का काम हो रहा है उसका उसकी सिचुएशन कैसी है वो कैसा वर्क कर रहा है कितना अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं प्रमोशन किस तरीके से किया जा रहा है उस चीज को एनालाइज करना उसके बाद एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कि प्रमोशन के अंदर अब प्रमोशन के अंदर आप क्या करते हो इन्फॉर्म करते हो कम्युनिकेट करते हो और उनसे भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो ताकि वैसा ही प्रोडक्ट आप बना सको तो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसी है प्रमोशन के अंदर उस को एनालाइज करना कि क्या आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे अब क्या होता है इसके बाद आपको डिसाइड करना है अपना बजट कि कितना पैसा आप लगा सकते हो उसी के थ्रू तो आप आईएमसी डिसाइड करोगे अब आप मान लो ज्यादा पैसा आपके पास है तो आप एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन हर चीज में ज्यादा ज्यादा पैसा लगा सकोगे बट आपके पास लिमिटेड है तो आपको उसे अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना किसके अंदर देना है हमारे पास मान लो पचास लाख ही हैं तो सबको दस दस लाख देने हैं या एडवर्टाइजमेंट में बीस लाख लग जाएंगे पी में पांच लाख लगा दें इस तरीके से करना है तो बजट को डेटरमाइन करना उसके बाद आई के प्रोग्राम

ना वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान कि जो आपका कंप्लीट मार्केटिंग प्लान है उसे आप रिव्यू करो कि आपके अंदर आपके मार्केटिंग प्लान के अंदर प्रमोशन भी होगा एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसका क्या रोल है किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप वर्क कर रहे हो आपकी टारगेट इंडस्ट्री क्या है कॉम्पिटिटर्स कैसा वर्क कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को रिव्यू करना देट इज़ रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान इसका मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर को स्टडी करना देट इज़ रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान उसके बाद क्या है प्रमोशनल प्रोग्राम सिचुएशन एनालिसिस कि अब आप थोड़े डीप में जा रहे हो मार्केटिंग के और डीप में जाने के बाद आप प्रमोशन के बारे में जब स्टडी करते हो देट इज प्रमोशनल प्रोग्राम सिचुएशन एनालिसिस इन दिस स्टेप बी टू बी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सिचुएशनल एनालिसिस टू असेस द करंट स्टेट ऑफ द प्रमोशनल प्रोग्राम कि जो मार्केटिंग के अंदर आप प्रमोशनल प्रोग्राम यूज कर रहे हो प्रमोशन के लिए जो प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो वो कैसा काम कर रहे हैं उनकी करंट स्टेट क्या है उस चीज़ को इवेल्युएट करना दैट इज़ प्रमोशनल प्रोग्राम सिचुएशन एनालिसिस कि सबसे पहले आपने मार्केटिंग प्लान को देखा उसके अंदर भी आपका प्रमोशनल वर्क कैसा चल रहा है उसे इवेल्युएट करना हमारा क्या है सेकेंड स्टेप है ताकि कि आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चल जाए और आप आगे जो डिज़ाइन करनी है प्रमोशन उसे ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन कर सको तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड स्टेप कि इन डेप्थ एनालिसिस आप करो अपने प्रमोशनल प्रोग्राम का ताकि आप ये देख सको कि कितना इफ़ेक्टिवली आपने पास्ट में कम्युनिकेट किया है सो so दैट आप अपने फ्यूचर को अच्छे से डिज़ाइन कर पाओ नाउ एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कि अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को एनालाइज़ करो कि कितना अच्छे से कम्युनिकेशन उस प्रोग्राम के अंदर हो रहा है कि ये आपका मार्केटिंग प्लान इसके अंदर प्रमोशनल प्रोग्राम जिसको आपने एनालाइज़ किया कि वो कैसा वर्क कर रहा है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट उसकी क्या है इसके अंदर जो मीन्स हमने एक टीम की थी ना कि डिसाइडर होते हैं इनिशिएटर होते हैं आपने शुरू में किया होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर तो उसमें होते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना तो एक होते हैं जो उससे एक्चुअल में यूज़ करेंगे एक होते हैं जो उसे इनिशिएट करते हैं उस चीज़ को शुरुआत करते हैं एक होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसा लेना है फिर एक टीम होती है जो अप्रूव करती है कि हाँ साइन करके फाइनलाइज कर दिया गेट कीपर होते हैं जो सारी चीज़ों को मेनटेन करते हैं उसके अलावा इन्फ़्लुन्सर्स होते हैं तो ये जो जितने भी मेंबर्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन कितने अच्छे से हो रही है कितनी इफेक्टिवली हो रही है ताकि हम क्या कर सकें अच्छा प्रमोशन कर सके अच्छे से डीलिंग कर सके तो ये देखना कि हमारा कम्युनिकेशन फ़्लो इफेक्टिव है या नहीं बी टू पी ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फॉर्मेशन फ़्लो विद इन देयर टारगेट मार्केट एंड अमंग द की स्टेक होल्डर्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम है उनमें बाहर जन तक हमें इंफॉर्मेशन देनी है टारगेट ऑडियंस तक कैसी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं अपने प्रमोशन के अंदर क्या हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस सही है या नहीं इस चीज़ को एनालाइज करना और उसे अगर वो सही नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेना और फिर अपना आई के लिए बजट डिटरमाइन करना कि आपके पास कितना पैसा है जो आप लगा सकते हो बजट आप दो तरीके से डेटरमाइन कर सकते हो ब्रेकडाउन मेथड एंड ब्रेकअप मेथड ब्रेकडाउन मेथड का मतलब क्या है पहले टोटल बजट बता देना और फिर उसे डिवाइड कर देना वेरियस आईएमसी के फॉर्म्स के अंदर कि टोटल हमारे पास पचास लाख रुपए हैं अब हमने दस दस लाख करके सब में डिवाइड कर दिए तो वो है जो ब्रेकडाउन मैथड बिल्टअप मैथड क्या है सबसे पहले ये जो जितने भी मीन्स हैं वो क्या करेंगे अपना अपना बजट बताएंगे कि टी वी पर लाख लग जाएंगे जो मैगजींस हैं उसमें भी बीस लाख लगेंगे इंटरनेट पे पंद्रह लाख लगेंगे न्यूज़पेपर पे पाँच लाख लगेंगे और यहाँ भी बीस लाख लगेंगे तो टोटल कितने हो गए अस्सी लाख यानी कि सबका सेपरेट स्टडी करके जब हम फाइनली टोटल बजट बनाते हैं तो वो हमारा होता है बिल्डअप मेथड तो ब्रेक डाउन में पहले टोटल बजट बनाया जाता है और उसे डिवाइड किया जाता है और इसमें पहले सेपरेट बजट बना के उनका जो टोटल होता है सम होता है फिर टोटल बजट डिटरमाइन किया जाता है फिर हम क्या करते हैं अपना इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं यानी कि एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट मार्केटिंग डिज़ाइन करेंगे उनकी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को डेटरमाइन करेंगे एंड फाइनली उसे इंप्लीमेंट कर देंगे यानी कि जिस ऑडियंस तक हमें उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है राइट right टाइम पे उसको एक अच्छे से क्रिएट करके राइट मीडिया टाइम पे राइट right प्लेस पे उसे इंप्लीमेंट कर देंगे और लास्ट हमारा क्या होता है उसे इवेल्यूएट करना कि जैसा हम चाहते थे क्या वो वैसा परफॉर्म कर रहे हैं जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने एक्सपेक्ट किया था क्या उतना रिटर्न हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे अपनी आई में हमारी कोई कमी रह गई या तो हम ऑब्जेक्टिव अच्छे से सेट नहीं कर पाए बजट अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाए तो उन चीज़ों को फिर से करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे सो दैट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इफ़ यू हैवनी डाउट प्लीज़ मैंशन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू कीप सपोर्टिंग